तनुश्री दत्त और नाना पाटेकर विवाद के सामने आने से बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियां धीरे धीरे अपनी कहानी और अपनी राय मी टू मोमेंट के जरिए शेयर कर रही है। इन्हीं में से एक नाम है कंगना रनौत का। कंगना ने अपनी सुपरहिट फिल्म क्वीन के डायरेक्टर विकास बहल पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। कंगना ने आरोप लगाया कि विकास बहल ने कई मौकों पर उन्हें अनकंफर्टेबल फील करवाया है। वेल, कंगना के इन स्टेटमेंट्स पर रिएक्शन देने वालों में से एक है सोनम कपूर। कंगना की ही तरह सोनम भी जानी जाती है बोल्ड स्टेटमेंट्स देने के लिए। सोनम ने एक इंटरव्यू पर सीधे मुंह कह दिया कि कंगना की बातों पर यकीन करना मुश्किल होता है क्योंकि वो बहुत सारी चीजें कहती रहती है। कंगना बीइंग कंगना रनौत, शी सेज अ लॉट ऑफ स्टफ, समटाइम्स इट्स हार्ड टू टेक हर सीरियसली, बट आई लव द फैक्ट दैट शी हैज स्पंक एंड शी सेज व्हाट शी बिलीव्स इन। वेल, सोनम की ये बात कंगना को जमी नहीं। जब कंगना को सोनम के इस बयान का पता लगा, वो आग बबूला हो गई। कंगना ने सोनम से सवाल किया कि उन्हें किसने हक दिया कि वो कंगना और उनके कहे स्टेटमेंट्स को जज करे, उन्हें परखे। कंगना को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने ये भी कह दिया कि सोनम कोई बड़ी एक्ट्रेस नहीं है और ना ही उनकी स्पीकिंग एबिलिटीज अच्छी है। कंगना ने कहा कि वो उन लोगों को नहीं बख्शेगी जो उनसे पंगा लेंगे, कंगना उन सभी का सर्वनाश कर देगी। पिंक विला वेबसाइट को कंगना ने बताया, What does she mean by saying it's hard to believe Kangana? When I'm sharing my Me Too story, who gives her a right to judge me? So Sonam Kapoor has the license of trusting some women and some she won't. What makes her so unsure of my claims? I am known to be an articulate person. I have represented my country in many international summits. I am called as a thought and youth influencer to these summits. I am not known because of my dad. I have earned my place and credibility after struggling for a decade. She isn't known to be a great actress. Neither she has the reputation of being a good speaker. What gives these filmy people right to take digs at me? I will demolish each one of them. Well, सुना आपने? कंगना के मुंह से तो आग बरस रही है। ओहो, सोनम ने कंगना के बारे में ये कहकर शेर के मुंह में हाथ डालने का काम कर दिया। और शेर ने तो सोनम को ऐसे काटा है कि इसके निशान अब कब और कैसे मिटेंगे ये सोनम ही बता पाएंगी। वैसे सोनम और कंगना के इस नए कैटफाइट को जानकर आपका क्या रिएक्शन है? पोस्ट करें अपने कमेंट्स।